देखिए खिलाड़ियों का गलत तरीके से यूज किया गया है, उनको मिसयूज किया गया है, उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने कल देखा होगा 28 तारीख को, जो हमारा ये जो सबसे बड़ी पंचायत जो लोकतंत्र का मंदिर है, वो एक ऐतिहासिक संसद भवन का उद्घाटन होना था, वहाँ पे खिलाड़ियों को भेजा गया, उनको बड़ा चढ़ा के मतलब उनको आगे बढ़ा, उनको पुश किया गया वहाँ जाने के लिए। और सबको पता है कि ऐसी जगह पे कोई भी नहीं जाता जहाँ पे प्रधानमंत्री जी या कोई राष्ट्रपति कुछ उद्घाटन करते हो, और क्योंकि सबसे बड़ा प्रोटोकॉल इनका होता है, और वहाँ तक जबरदस्ती जो पहलवानों को आगे पहुँचाने की कोशिश की गई, और बड़ा दुखद है। इसमें पूरा जो है विपक्षी पार्टियों का था, और उन्होंने इसका बहिष्कार पहले ही किया था कि 18 दलों ने इसका बहिष्कार किया है, और यहाँ पे पहलवानों के ऊपर उन्होंने पहलवानों ने कंधे पे बंदूक रखकर ये चलाई है, और इसके पूरे देश की उन्होंने छवि खराब करने की कोशिश की। इसमें बिल्कुल पहलवानों गलत तरीके से यूज किया, और यहाँ पे राजनीति घुस चुकी है। जो पहलवानों की जो मांग थी FIR करवानी वो हो चुकी है, पुलिस अपना काम कर रही है, और कमेटी की जो रिपोर्ट थी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंप दी है। पर जो कल का जो वाक्य था, क्योंकि सबको पता है कि कोई इतने बड़े कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में उद्घाटन में ऐसी मतलब कोई विरोध जाहिर करता है तो पुलिस वो अपना काम करती है। एक 144 वहां पे लगी हुई है। देखिए राजनीति कोई कर सकता है पर गलत तरीके की नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ पे पहलवान राजनीति नहीं कर रहे थे, वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, पर उनको कल का दिन जो सेट किया उनको हाँ वो नहीं होना चाहिए था। एक देश के इतने बड़े देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं और यहाँ पे मैं उनके पास जाकर विरोध करूंगा तो पुलिस मुझे भी घसीटेगी। जब चाहे देखिए देश की बहन बेटी सबकी एक है, चाहे कोई बड़ा खिलाड़ी हो चाहे छोटा खिलाड़ी हो। मेरा ये कहना है कि जो प्रोटोकॉल है जो पुलिस का जो अपने कानून कार्रवाई है वो वहां तक नहीं जा देगी। और पर यही है कि एक बड़ी गलत घटना करो, ये इतने का ऐतिहासिक दिन था हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का पल था, हमारी जो संसद का उद्घाटन था, यहाँ पे ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए थी। जो उनकी मांग है उसको लेके लगातार इतने आप उनके साथ हैं। देखिए कमेटी का जो काम, कमेटी ने अपना काम कर दिया है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, लिखित में सब कुछ है, उसमें रत्ती भर भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है, और सरकार चाहे तो उसको ओपन कर सकती है। सत्य सटीक बेबाक।